Today I am going to tell you about the types of variables and storage class. हमने आपको types of variable बताए थे, लेकिन इसके storage class भी होता है जो variable के features को अच्छे ढंग से specify करता है. Storage class are associated with the variable for describing the feature of any variable or function in the C program. Variable के type आपको int, float, character बताए थे हमने, void, लेकिन अगर उसको अच्छे से उसके फीचर्स को स्पेसिफाई करना है तो हमें स्टोरेज क्लास भी आना चाहिए फंक्शन के अंदर. वेरिएबल टाइप, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल. हमने दो तरह का वेरिएबल आपको बताया था इसके पहले जो लेक्चर दिया था उसमें. ग्लोबल वेरिएबल रिकग्नाइज थ्रू आउट द प्रोग्राम. वेरिएबल को जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो पूरे प्रोग्राम में आपको जाना जाता है और कहीं भी उसको रिकग्नाइज किया जा सकता है. लेकिन लोकल वेरिएबल रिकग्नाइज ओनली विद इन द फंक्शन वेयर दे आर डिफाइंड. लेकिन लोकल वेरिएबल आपका केवल फंक्शन के अंदर समझा जाता है, पहचाना जाता है. स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वेरिएबल. रिटेंशन ऑफ वैल्यू बाय लोकल वेरिएबल मीन्स दैट इन स्टैटिक वेरिएबल और डायनेमिक वेरिएबल. Static variable retention of variable values lost once the function is completed. जैसे ही function हमारा complete होता है वैसे ही static variable जो होता है हमारा वो उसकी value खत्म हो जाती है. लेकिन जब हमारा dynamic variable होता है in certain condition the value of variable has to be retained from the earlier execution and execution retained. जब लेकिन कुछ वेरिएबल डायनेमिक होते हैं जैसे रजिस्टर वेरिएबल होता है जिसमें हम एड्रेस से किसी पॉइंटर से किसी एड्रेस को रिफर करते हैं. तो स्टैटिक वेरिएबल हमारा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस हमने आपको पढ़ाया था. स्टैटिक वेरिएबल वर्क एज अ कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस. तो डायनेमिक वेरिएबल वो होते हैं जो पॉइंटर पे काम करते हैं, रजिस्टर पे काम करते हैं और उनकी वैल्यू रिटेन होती है. लेकिन स्टैटिक वैल्यू जो होते हैं ये इटसेल्फ अ सिंपल वेरिएबल होंगे जो कि आपके रजिस्टर पे काम नहीं करते. अब ये क्या है रजिस्टर और सिंपल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, ये सारे स्टैटिक वैल्यू, इसको हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे स्टोरेज क्लास के अंदर. The variable can be categorized where their data type and their storage class. तो दो तरह से हम variable को define कर सकते हैं, एक तो data type के basis पे और दूसरा storage class basis पे. तो data type हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, refers to the type of value represented by variable like int, float, character and void etc. Storage class refers to the permanence of variable. Permanence of variable and its scope within the program. उसका क्या scope है और कैसे वो program के अंदर उसकी value है, importance है, कितनी देर वो रहता है उसकी हम चार क्लासेस में स्टोरेज क्लास में डिवाइड करके बताएंगे. देर आर फोर स्टोरेज क्लासेस टाइप इन सी, टाइप्स इन सी, दैट इज ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्न. स्टोरेज क्लास एसोसिएटेड विद द वेरिएबल कैन सम टाइम बी एस्टेब्लिश बाय द लोकेशन ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन विद इन द प्रोग्राम और बाय प्रीफिक्सिंग कीवर्ड टू द वेरिएबल डिक्लेरेशन. अब वेरिएबल का स्टोरेज क्लास जो होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, लोकेशन पे, किस जगह पर डिफाइन किया गया है, डिक्लेरेशन उसका कैसे किया गया और उसके आगे कौन सा कीवर्ड फिक्स किया गया है. तो वेरिएबल का को जब हम स्टोरेज क्लास को के साथ डिफाइन करते हैं तो उससे उसकी इम्पोर्टेंस डिफरेंट हो जाती है, उसका यूज डिफरेंट हो जाता है. जैसे डिक्लेयर करेंगे फॉर एग्जाम्पल ऑटो इंट ए बी, अब इंट के साथ ऑटो लग गया तो ऑटोमेटिक वेरिएबल, वैसे भी अगर आप ऑटो ना लिखिए तो जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं वो ऑटोमेटिक होता है. देन रजिस्टर इंट आर, रजिस्टर हमारे दो या तीन हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल होते हैं जिनको हम जब यूज़ करते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है
और अगर दो तीन के अलावा जब जरूरत पड़ती है तो नॉर्मल वेरिएबल ही यूज होता है। स्टैटिक इंट ए बी, अब स्टैटिक जो होता है वो फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू तब तक कंसिस्टेंटली चेंज होती रहती है जब तक कि कंसिस्टेंट रहती है, जब तक कि वो फंक्शन के अंदर होता है। जैसे ही फंक्शन खत्म होता है स्टैटिक की वैल्यू खत्म हो जाती है। एक्सटर्नल फ्लोट, एक्सटर्नल जब हम डिफाइन कर देते हैं तो हम विद इन फंक्शन भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं और दूसरे प्रोग्राम में भी हम वैल्यू को एक्सेस कर दे सकते हैं, तो उसको एक्सटर्नल वेरिएबल कहते हैं। अब इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको डिटेल में तो आपको समझ में आएगा। पहला है ऑटो स्टोरेज क्लास, इट इज़ अ डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन अ फंक्शन। सम टाइम वेरिएबल कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट फंक्शन ट्रीटेड एज अ डिफरेंट बिकॉज एज अ फंक्शन फिनिश वैल्यू डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। ए सेम वेरिएबल को, ऑटोमेटिक वेरिएबल को हम डिफरेंट फंक्शन में डिफाइन कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है। तो उससे क्या होगा कि जब फंक्शन खत्म होगा तो उस समय वहाँ पे जो उस वेरिएबल की वैल्यू होगी वो खत्म हो जाएगी और जो नेक्स्ट हम फंक्शन में डिफाइन करेंगे वो वैल्यू यूज होगी। जैसे इंट रोल कंटेन ऑटो बाय डिफॉल्ट, अगर हम आगे ऑटो नहीं भी लिखते हैं रोल के आगे तो वो सेम है, चाहे इंट रोल लिखिए चाहे ऑटो इंट रोल लिखिए, दोनों का मतलब सेम होगा। इन एडिशन वी कैन यूज ऑटो कीवर्ड। अब आया पॉइंट टू रिमेंबर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटो वेरिएबल। ऑटो वेरिएबल के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा जिससे आप उसको एफिशिएंटली यूज कर सकिए। ऑटो इज अ ऑप्शन सो नीड नॉट टू मेंशन। हम ऑटोमेटिक वेरिएबल जो होते हैं उसके आगे ऑटो नहीं भी लिखे तो काम चलेगा। ऑल फॉर्मल आर्गुमेंट्स इन फंक्शन हैव अ ऑटो स्टोरेज क्लास एज डिफाइंड इन अ प्रोटोटाइप, क्योंकि हमारा ऑटोमेटिक फॉर्मल आर्गुमेंट्स जो होते हैं, आर्गुमेंट्स जो फंक्शन में वैल्यू पास की जाती है वो ऑटोमेटिक स्टोरेज, ऑटो स्टोरेज क्लास का होता है, क्योंकि वो फंक्शन प्रोटोटाइप डिफाइन करते समय हमारा मेंशन होता है। द इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑटो टाइप कैन बी डन इन डिक्लेरेशन यूजिंग असाइनमेंट एक्सप्रेशन इन अ फंक्शन। अब ऑटो टाइप कब इनिशियलाइज किया जाता है, या तो डिक्लेरेशन के समय और या तो यूजिंग असाइनमेंट एक्सप्रेशन इन अ फंक्शन, या तो फंक्शन के अंदर एक्सप्रेशन को से जब हम वैल्यू को असाइन करते हैं उस वेरिएबल में तब हमको वो इनिशियलाइज होता है। इफ नॉट डिफाइंड अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू इज डिफाइंड, अगर आप उसको नहीं डिफाइन करते हैं तो वो अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू दे देगा। वैल्यू इज नॉट रिटेन आफ्टर एग्जिट फ्रॉम द फंक्शन, फ्रॉम द प्रोग्राम और फंक्शन, और उसकी वैल्यू तब खत्म हो जाती है जब हम प्रोग्राम या फंक्शन में से एग्जिट कर जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, हमने एक वेरिएबल ले लिया है इंट आर्गिव से और करेक्टर आर्गिव ए जी या ए जी बी, इंट ए बी डबल डी प्रिंट परसेंट डी ए आर जी सी, ए की वैल्यू 10 ली, बी की 5 ली, डी की बी इंटू बी माइनस ए बाई 2 ले ली। अब देखिए एक्सप्रेशन से वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं, प्रिंट एफ ए बी डी, और ये इसमें प्रिंट एफ ए बी डी को हमने प्रिंट कर दिया। ये हमारी सिस्टम की वेरिएबल है आर्ग सी एंड आर्ग बी। आर्ग सी इज फॉर नंबर, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वेयर आर्ग सी इज अ नंबर ऑफ आर्गुमेंट और आर्ग बी इज फॉर आर्गुमेंट वैल्यू इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। जब स्ट्रिंग फॉर्म में आर्गुमेंट्स होता है तो आर्गिव्स बी लेते हैं, ये हमारी एरे को रिप्रेजेंट करता है, और ए आर जी सी जो होता है वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितना हम आर्गिव बी में ले रहे हैं वो डिफाइन करता है। सेकेंड क्लास इज अ रजिस्टर स्टोरेज क्लास, दिस स्टोरेज क्लास इज इम्प्लीमेंटेड फॉर क्लासीफाइंग लोकल वेरिएबल हूज वैल्यू नीड टू बी सेव्ड इन अ रजिस्टर इन अ प्लेस ऑफ रैम। अब लोकल वेरिएबल को जब हम रजिस्टर में सेव करते हैं, मेमोरी में नहीं सेव करते हैं,
तब हम इस क्लास को लेते हैं. दिस इज इम्प्लीमेंटेड व्हेन यू वांट योर वेरिएबल द मैक्सिमम साइज इक्विवेलेंट टू द साइज ऑफ द रजिस्टर, इट यूजेस द कीवर्ड रजिस्टर. अब आपको हमने पहले बताया था साइन अनसाइन दो तरह के वेरिएबल होते हैं, तो जो मैक्सिमम उसकी साइज होती है उसको अगर लेना होता तो हम रजिस्टर वेरिएबल को लेते हैं. रजिस्टर अब वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, रजिस्टर इंट काउंटर. जनरली इसको लूप के साथ यूज करते हैं जिससे एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है. रजिस्टर वेरिएबल आर यूज व्हेन इंप्लीमेंटिंग लूप इन अ काउंटर वेरिएबल टू मेक अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट. रजिस्टर वेरिएबल वर्क फास्टर देन वेरिएबल स्टोर्ड इन अ रैम. ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर कैरिड आउट विद दिस रजिस्टर. ये जनरली लूप के साथ यूज किया जाता है जिससे एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है. जैसा हमने बताया रजिस्टर वेरिएबल जो होता है वो वर्क बहुत फास्ट करता है और प्राइमरी मेमोरी में रैम में स्टोर होता है. ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को ये करता है, परफॉर्म करता है. अब हमने लिखा फॉर रजिस्टर इन काउंटर जीरो काउंटर लेस देन इक्वल टू नाइन काउंटर प्लस प्लस. लूप बॉडी बॉडी में हम जो भी लिखेंगे उसको वो परफॉर्म करेगा. अब इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने पड़ेंगे जिससे इसको एफिशिएंटली हम यूज कर लें. इफ रजिस्टर आर नॉट अवेलेबल वेरिएबल आर पुट इन अ मेमोरी. मेमोरी में तब रहता है अगर रजिस्टर में नहीं करते. Usually two or three registers variable are there in a program. Scope in same as automatic variable, local to the function in which they are declared. और automatic variable जैसा होता है और function में declare होता है. Address operator cannot apply to the register variable. Register variable क्या कह रहा है, ampersand नहीं लग सकता है क्योंकि वो खुद ही address है. If register variable is not available, variable is though to be like the automatic variable. अगर register variable नहीं होता तो variable automatic variable जैसा काम करता है. Usually associated with integer variable but other type is also, it is allowed having same size, short or unsigned. Integer के साथ ज़्यादातर काम करता है लेकिन अगर और कोई size है और कोई type है तो उसके short और unsigned को use करता है. Can be perform argument, can be formal argument in a function. फंक्शन में भी ये रजिस्टर वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं. पॉइंटर टू रजिस्टर वेरिएबल इज नॉट अलाउड. अब रजिस्टर वेरिएबल के साथ पॉइंटर हमारा यूज नहीं होता क्योंकि रजिस्टर जो होता है वो एम्परसेंड खुद ही अपने एड्रेस को बताता है. वेरिएबल कैन बी यूज्ड इन लूप इंडाइसेस आल्सो टू इंक्रीज द एफिशिएंसी. और ये हमने पहले बताया कि लूप के साथ यूज होता है जिससे उसकी वर्किंग पावर बहुत बढ़ जाती है. अब आया थर्ड टाइप स्टैटिक स्टोरेज क्लास. स्टैटिक वेरिएबल डिफाइंड विद इन द फंक्शन एंड रिटेन देयर वैल्यूज थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम विद इन देयर प्रीवियस वैल्यू. जनरली फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है. इसका हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे तो समझ में आएगा लेकिन पहले इसके कुछ पॉइंट्स उसको आप समझ लीजिए. स्टैटिक वेरिएबल कैनॉट एक्सेस आउटसाइड ऑफ देयर डिफाइनिंग फंक्शन. ये किसी भी फंक्शन में ही डिफाइन होता है और उसको बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते. द स्टैटिक वेरिएबल मे हैव सेम नेम एज दैट ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल बट लोकल वेरिएबल टेक प्रिसिडेंस इन द फंक्शन. Therefore, external variable maintain their independence with the locally defined auto and static variable. Static variable क्या वो करता है वो? Same name हम ले सकते हैं जो बाहर के variable का नाम है. But local variables take precedence in the function. लेकिन local variable जो होता है उससे पहले function में उससे precedence उसका ज़्यादा होता है. Therefore, external variable मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस. तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल वेरिएबल की इंडिपेंडेंस मेंटेन होती है और लोकली डिफाइंड ऑटो एंड स्टैटिक किससे होती है, जो लोकली ऑटो और स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन होता है. एक्सटर्नल वेरिएबल लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल और उसकी इम्पोर्टेंस जो होती है वो स्टैटिक और ऑटोमेटिक वेरिएबल से ज़्यादा होती है.
इनिशियल वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड एज अ कॉन्स्टेंट एंड नॉट द एक्सप्रेशन. इनिशियल वैल्यू क्या होती है, वो उसकी इनिशियल वैल्यू कॉन्स्टेंट से इनिशियलाइज होती है, नॉट विद द एक्सप्रेशन. और जीरो आर असाइन टू ऑल वेरिएबल, हेंस दे ऑलवेज हैव असाइन वैल्यू. और बाय डिफॉल्ट उसमें जीरो वैल्यू चली जाती है. इनिशियलाइजेशन इज डन ओनली फर्स्ट एग्जीक्यूशन, पहली बार बस इसको एग्जीक्यूशन में स्टैटिक वेरिएबल को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं. उसके बाद वो नहीं इनिशियलाइज होता क्योंकि उसकी जो वैल्यू बढ़ती जाती है वो मेमोरी में स्टोर होती जाती है और तब तक बनी रहती है जब तक कि फंक्शन ख़त्म नहीं हो जाता. अब इसका एग्जांपल देखेगा तो आपको समझ में आएगा. हमने एक फंक्शन डिफाइन किया इंट कॉल स्टैटिक. अब दो वेरिएबल लिए आई और जे, जिसको जीरो से इनिशियलाइज किया, फिर कॉल किया स्टैटिक को. अब स्टैटिक में हमने क्या बना रखा, देखिए स्टैटिक फंक्शन में हमने स्टैटिक आई को डिफाइन किया आई इक्वल्स टू वन. अब आई जो है फर्स्ट टाइम बस इनिशियलाइज होगा वन, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तो वो चेंज हो जाएगा. तो चेंज कैसे होगा, जब हम जे को कॉल करेंगे, जे में जीरो वैल्यू जो है, जे में कॉल स्टैटिक करेंगे तो जे में पहले आई की वैल्यू, तो आई में जो वैल्यू है फर्स्ट टाइम वन हो गई और आई प्लस प्लस किया. अब यहाँ पे आए हम और रिटर्न जे किया, तो जे में देखिए वन आ चुका था और वो जे जब जाएगा तो आउटपुट क्या होगा, वन हो जाएगा. फिर दोबारा उसने भेजा जे, जे इक्वल्स टू कॉल स्टैटिक. अब दोबारा जब आएगा तो फिर से यहाँ पे क्या करेगा, जे आई की वैल्यू जो दो हो गई थी वो जे में चली जाएगी, जे रिटर्न होगा तो टू प्रिंट हो जाएगी. इसी तरह थर्ड टाइम जब कॉल करेगा तो वो थ्री प्रिंट कर देगा. देखिए हर बार जब वापस आ रहा है तो जे की वैल्यू, यहाँ जो बाहर जे डिफाइन किया है वो डिफरेंट है और जो अंदर जे डिफाइन किया है वो डिफरेंट है. बाहर आई जो डिफाइन किया है वो डिफरेंट है और जो अंदर आई डिफाइन किया है वो डिफरेंट है. ये स्टैटिक इंट है जो कि पहली बार वन है और नेक्स्ट टाइम वो बढ़ता जा रहा है, टू टू थ्री आता जाएगा. This is because I is a static variable and retain its previous value in the next execution of the function. Call static to remind you, J is having auto storage. अब इसमें क्या है, क्योंकि हमने auto define नहीं किया तो auto storage वो define हो गया. Both function main and call static have the same local variable I and J, but their value never get mixed. दोनों में सेम वैल्यू है, पहले भी हम इसको आपको समझा चुके हैं कि पहले दोनों में सेम वैल्यू होने पर भी वो मिक्स नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन में जो वैल्यू होगा वो लोकल होगा और बाहर का जो वैल्यू होगा वो मेन का लोकल होगा. तो मेन का लोकल और फंक्शन का लोकल आपस में मिक्स नहीं होगा. और जब हम जब जब जे को रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो जे में स्टोर हो जाएगी और वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. तो इस तरह से स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो फंक्शन जब तक चलता रहता है तब तक उसकी वैल्यू मेंटेन रहती है और इंक्रीज होती जाती है. फोर्थ इज एक्सटर्न स्टोरेज क्लास. द एक्सटर्न स्टोरेज क्लास इज यूज टू फीचर अ वेरिएबल टू बी यूज फ्रॉम विद इन डिफरेंट ब्लॉक ऑफ द सेम प्रोग्राम. अब यह ऐसा वेरिएबल है जो कि डिफरेंट ब्लॉक में आप यूज कर सकते हैं. पहले जो हमने बताया था आपको कि जो ब्लॉक में हम जो फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं वो उसी ब्लॉक में यूज़ होता है, बाहर नहीं यूज़ हो सकता. ऊपर जो वेरिएबल डिफाइन हुआ है वो अंदर के ब्लॉक में तो यूज़ हो जाएगा, लेकिन अंदर के ब्लॉक का वैल्यू ऊपर के ब्लॉक में मेन में नहीं यूज़ होगा. और फंक्शन में अगर वही वेरिएबल डिफाइन है तब तो वो बिल्कुल भी कहीं भी यूज़ नहीं होगा. मेनली अ वैल्यू इज अ सेट टू दैट वेरिएबल विच इज़ इन डिफरेंट ब्लॉक और फंक्शन कैन बी ओवर रिटन और ऑल्टर फ्रॉम विद इन अनदर ब्लॉक एज वेल. अब जब एक्सटर्न वेरिएबल हम डिफाइन कर लेते हैं तो वो डिफरेंट ब्लॉक और फंक्शन में उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, जैसा कि पहले हम नहीं कर सकते थे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के केस में. हेंस इट कैन बी सेट दैट एन एक्सटर्न वेरिएबल इज अ ग्लोबल वेरिएबल विच इज असाइंड विद इन अ वैल्यू दैट कैन बी एक्सेस्ड एंड यूज्ड विद इन द एंटायर प्रोग्राम.
तो एक तरह से एक्सटर्नल वेरिएबल वेरिएबल जो होता है वो ग्लोबल वेरिएबल होता है, और पूरे प्रोग्राम में हम कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर अ ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सप्लिसिटली मेड एन एक्सटर्नल वेरिएबल बाय इंप्लीमेंटिंग द कीवर्ड एक्सटर्न प्रीसीडेड द वेरिएबल नेम। और अगर हमने ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया है तो उसको हम एक्सटर्नल वेरिएबल भी बना सकते हैं एक्सटर्न स्टोरेज क्लास यूज़ करके। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट वैल। वैल एक वेरिएबल लिया, एक्सटर्न वॉइड फंक्शन एक्सटर्न। अब ये फंक्शन वॉइड एक्सटर्न फंक्शन एक्सटर्न लिया, जिसमें यहाँ पर मेन में वैल्यू हमने डिफाइन की वैल इक्वल्स टू टर्न। और जब हम फंक्शन एक्सटर्न करते हैं तो ये एक्सटर्नल फंक्शन को एक्सेस करता है जो दूसरे प्रोग्राम में है, जो इसमें हमने डिफाइन किया इंक्लूड stdio.h एक्सटर्न इंट वैल। नाउ द वेरिएबल वैल कैन बी एक्सेस्ड एंड यूज्ड फ्रॉम एनीवेयर विद इन द प्रोग्राम। अब ये यहाँ पे एक्सटर्न यहाँ पे डिफाइन कर दिया जब, तो वैल्यू को कहीं से भी हम यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे एक्सटर्न डिफाइन किया तो फंक्शन को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा दूसरे प्रोग्राम का, और वहाँ पे वैल्यू जो होगी वो उस वैल की आएगी जो हमने डिफाइन की थी, और यहाँ पर इस वैल्यू को ये बाहर के फंक्शन में जाकर 10 प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से दो प्रोग्राम के बीच में भी हम वेरिएबल को एक्सटर्न डिफाइन करके एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए इंट वैल की वैल्यू डिफाइन नहीं है, लेकिन हमने जो पहले वैल की वैल्यू डिफाइन की थी वो एक्सटर्न फंक्शन में जा करके यूज हो जाएगी, और उसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट आपका 10 हो जाएगा। अब हम इसके लिए पॉइंट रिमेम्बर रखना जरूरी है कि किस तरह से एफिशिएंटली इसको यूज करें। दीज आर अ ग्लोबल एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी फंक्शन विद इन इट्स स्कोप, सो द वैल्यू मे बी असाइन इन वन कैन बी रिटर्न इन अनदर। अब हमने देखे यहाँ पे वैल्यू डिफाइन की थी मेन पहले फंक्शन में और एक्सेस की दूसरे फंक्शन में, तो जब एक्सटर्न हम डिफाइन कर लेंगे तो वो वैल्यू हमारी कहीं भी यूज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने जब दूसरा प्रोग्राम लिखा तो इंट वैल्यू को एक्सटर्न बना दिया, तो एक्सटर्नल वैल्यू वो यूज कर लेगा। देयर इज अ डिफरेंस इन एक्सटर्नल वैल्यू डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। अब डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन में डिफरेंस होता है। एक्सटर्नल डेफिनेशन सेम एज एनी वेरिएबल लाइज आउटसाइड और बिफोर द फंक्शन एसेसिंग इट। अब पहले फंक्शन के पहले जब कोई वैल्यू वेरिएबल डिफाइन होती है तो उसको डेफिनेशन कहते हैं। इट एलोकेट स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड। जैसे ही हम कोई वैल्यू वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसके नाम से स्टोरेज वैल्यू स्पेस एलोकेट हो जाती है, मिल जाती है। इनिशियल वैल्यू कैन बी असाइन। अब वहाँ पर हम कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो there is a difference between a declaration and definition. The definition जब हम देते हैं तो एक स्पेस खुल जाती है जहाँ पर हमें मेमोरी एलोकेट होती है, और जब डिक्लेयर करते हैं असाइन करते हैं वैल्यू तब वहाँ पर वो वैल्यू स्टोर होती है। द एक्सटर्नल स्पेसिफायर इज नॉट रिक्वायर्ड इन एक्सटर्नल वेरिएबल डेफिनेशन। अब हमने यहाँ पर देखिए जो वैल डिफाइन किया है उसमें हमने एक्सटर्न नहीं लगाया, क्योंकि एक्सटर्नल वैल्यू के लिए वेरिएबल में एक्सटर्न लगाना ज़रूरी नहीं है। जिस दूसरी जगह से जब हम कर रहे हैं तब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल कैन बी असाइन इनिशियल वैल्यू एज अ पार्ट ऑफ अ वेरिएबल डेफिनेशन, बट द वैल्यू मस्ट बी कॉन्स्टेंट रैदर देन एक्सप्रेशन। अब बस इसमें फ़र्क ये है कि एक्सटर्नल वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, वो एक्सप्रेशन से नहीं आती है। इफ़ इनिशियल वैल्यू इज़ नॉट इंक्लूडेड देन इट इज़ ऑटोमेटिकली असाइन अ वैल्यू ऑफ ज़ीरो। और अगर आपने नहीं कुछ डिफाइन किया तो वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट ज़ीरो ले लेगा। अब ये दूसरा एक एग्जाम्पल बता रहे हैं जिसमें हम एक्सटर्नल वेरिएबल को सेम प्रोग्राम में
एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंक्लूड stdio.h किया, int gv लिया, main किया, void function 1 किया, gv की वैल्यू 10 इनिशलाइज की, printf। अब देखिए gv में कांस्टेंट वैल्यू जा रही है, एक्सप्रेशन से नहीं जा रही है। print %d is the value of gv before function call। अब gv की वैल्यू 10 जो है वो हमने फंक्शन पहले के पहले किया, फिर फंक्शन हमने कॉल किया, फंक्शन कॉल किया तो फंक्शन में हमने दे रखा है gv equals to 50। तो जब हम फंक्शन से लौटेंगे तो फिर से जब हम प्रिंट करेंगे तो वैल्यू 15 प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से 10 इज़ द वैल्यू ऑफ gv बिफोर फंक्शन और 15 इज़ द वैल्यू ऑफ gv आफ्टर फंक्शन कॉल। इस तरह से चार तरह के स्टोरेज क्लास को हमने पूरा एग्जांपल के साथ आपको समझाया। एक छोटी सी आपको हम टेबल दे रहे हैं जिसमें समराइज किया गया है चारों क्लासेस को, जिसको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। टेबल समराइज द प्रिंसिपल फीचर ऑफ ईच स्टोरेज क्लास विच आर कॉमनली यूज्ड इन सी प्रोग्राम। स्टोरेज क्लास क्या है आपकी? ऑटो है, डिक्लेरेशन इन साइड अ फंक्शन होता है और ब्लॉक में भी हो सकता है, स्टोरेज मेमोरी में होती है। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू जो होती है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है अगर आपने नहीं डिफाइन किया है, और स्कोप विद इन अ फंक्शन या ब्लॉक होगा, और लाइफ टाइम ये रहता है विद इन अ फंक्शन या ब्लॉक में। ऑटो वेरिएबल इसकी तरह नहीं होता कि एक्सटर्न है या स्टैटिक है तो वो ख़त्म हो जाए। रजिस्टर वेरिएबल जो होता है इनसाइड फंक्शन और ब्लॉक होता है, स्टोर आपका सीपीयू रजिस्टर में होता है ना कि मेमोरी में, और डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज होती है अगर आप उसको नहीं डिफाइन करिएगा तो वो उसमें प्रॉब्लम करेगा, एरर करेगा। विद इन द फंक्शन और ब्लॉक हम डिफाइन करते हैं रजिस्टर को, ज़्यादातर लूप के साथ करते हैं। विद इन द फंक्शन और ब्लॉक लाइफ टाइम रहता है। एक्सटर्न वेरिएबल आउटसाइड ऑल फंक्शन रहता है, मेमोरी में स्टोर होता है, डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है। एंटायर द फाइल एंड अदर फाइल्स वेयर द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, वेयर द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज एक्सटर्न, तो वो बाहर की तरफ सबसे इनिशलाइज होता है। प्रोग्राम रन टाइम लाइफ टाइम पूरे रन टाइम के समय इसमें वेरिएबल रहता है। स्टैटिक लोकल क्या है? इनसाइड अ फंक्शन ब्लॉक मेमोरी में स्टोर होता है, जीरो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, विद इन द फंक्शन और ब्लॉक होता है, और पूरे प्रोग्राम के रन टाइम में होता है। रन टाइम का मतलब है कि जब तक प्रोग्राम रन होगा तब तक तो ये वैल्यू रहेगी, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगी। स्टैटिक ग्लोबल क्या होगा? आउटसाइड ऑल फंक्शन मेमोरी जीरो ग्लोबल रहता है, स्कोप पूरे में आप स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ कर लेंगे और तब तक ये यूज होगा जब तक कि प्रोग्राम रन हो रहा है। तो प्रोग्राम रन टाइम मतलब है कि जब तक प्रोग्राम रन होगा तब तक ये वेरिएबल रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। इसको आप प्रैक्टिकली अच्छे से करिए, कल हम प्रैक्टिकल सेशन फंक्शन का पूरा लेंगे तो आपको प्रैक्टिकल भी समझ में आ जाएगा। दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब my channel Ratan Agarwal IT Informer, follow my all social media link, join my telegram channel Tech Ratan, go to the community and comment there on my video and ask the question if any regarding to this video or any other video. Thank you.